हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ कटलेट, जो सबकी पसंदीदा डिश है। आइए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने 4 आलू को बॉईल कर लिया है, इसको अब हम मैश करते हैं। ये देखिए आलू हमने मैश करना है इसको अच्छे से। ये देखिए आलू अच्छे से मैश हो गया है। अब इसमें मैश किए हुए आलू में हमने 1 चम्मच नमक डालना है, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर है और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और ये 1 चम्मच जीरा भुना हुआ हमने उसको पीस के डाला है। एक बारीक कटी हुई प्याज हमने इसमें डालना है, कट करना है। शिमला मिर्च 1 हमने काट के बारीक काटा हुआ है। 1 गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया था। ये हरी धनिया थोड़ी हमने डाली और ये 2-3 हरी मिर्च। ये हमने मोज़रेला चीज लिया है, अब इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सबको हम अच्छे से, इसको हाथ के सहायता से आप अच्छे से इसको एक मिला दीजिए, इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। सारे मसाले, आलू और ये चीज सबको एक साथ मिक्स अच्छे से कर देना है। ये देखिए आलू में अच्छे से सब मिक्स हो गया है। अब इसको हम ऐसे बनाएंगे। कैसे रोल बना के हमने इसको सारे बना के रख लेने हैं। इसका हमने आलू का पूरा शेप बना दिया है, अब इसको हम साइड में रखते हैं। गैस पे पैन को रख दिया है, अब इसमें हम ऑयल को ऑयल हीट हो रहा है तब तक हम, अब हमने एक प्याले में इसमें 2 अंडे को हमने इसमें ये हमने ब्रेड के क्रम्स बना लिए हैं। ये ब्रेड क्रम्स है, ये हमने इसमें अंडे में इसको ऐसे डुबो के निकाल लेना है और फिर उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स इस पर लगा के रख देना है। कटलेट को इसी तरह लगा के उसमें अंडे में वो डाल के और फिर इसको हमने ब्रेड क्रम्स लगा के सारे रख देने हैं। देखिए पैन गर्म हो गया है, हल्की आंच पे हमने, धीमी आंच पे इसको हमने फ्राई करना है। सुनहरा होने तक हमें इसको फ्राई करना है। ये देखिए कितना अच्छा एकदम फ्राई हो गया है, ये एकदम गोल्डन ब्राउन। और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है ये, आप इसको बना के एक बार बना के खाइएगा, बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है कटलेट, अब इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए चीज कटलेट रेडी हो गया है, इसको आप बनाइए, घर में सभी को पसंद आएगा, बच्चों को तो स्पेशली पसंद आएगा। हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।